आज मैं आपको शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली का घर और उनकी कब्र पहली बार एक साथ दिखाने वाला हूं। ये कैनाल्स पर वाकई ये घर था और मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी इसी घर में गुजारी है। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर में ठहराया गया। बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ, ज़ेबा बेगम ने ये घर सेल आउट कर दिया। ये आलीशान घर खंडर बन चुका है। जिस बेड पर शाह फैसल सोए थे उस बेड को चंद हजार रुपए में सेल किया गया। खस्ता हाल दरो दीवार इसकी खंडर बनी हुई इमारत इबरत की कहानी पेश कर रही है। सऊदी अरब की हुकूमत जानिब से पैगाम भिजवाया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद अली को जन्नतुल बकी में दफनाया जाए तो हम उसकी बाकायदा तौर पर इजाजत देते हैं। प्रोग्राम सितारों के घर के साथ मैं हूँ आपका मेजबान अहमद फराज। नाजरीन, आज मैं आपकी पुरजोर फरमाइश पर एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आज मैं आपको शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली का घर और उनकी कब्र पहली बार एक साथ एक्सक्लूसिवली दिखाने वाला हूं। इस वक्त मैं मोहम्मद अली के तारीखी घर के बिल्कुल बाहर मौजूद हूं और ये उनके नाम की जो तख्ती है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। सबसे पहले अगर इस जगह की लोकेशन की बात कर ली जाए तो ये अली ज़ेब रोड पर वाकिया ये तारीखी घर है और ये जो अली ज़ेब रोड है ये मोहम्मद अली और ज़ेबा के नाम से ही ये रोड जो है वो मंसूब किया गया है। और ये इस जगह की बात करूँ तो ये लाहौर का बड़ा ही पोश तरीन एरिया है। ये लाहौर के गुलबर्ग का इलाका है और इसके साथ जो है वो बिल्कुल लाहौर की फिरदौस मार्केट है, जो कि मारूफ अदाकारा जो थी फिरदौस बेगम उनके नाम से मंसूब थी। तो ये एक लाहौर का बड़ा पोश एरिया है और ख़ास बात यह है कि एक वक्त में ये लॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ थे उनका गढ़ हुआ करता था। यहाँ से शहनशाह मोहम्मद अली जज्बात के बिल्कुल घर के बिल्कुल साथ जो है वहीद मुराद ने अपना घर बनाया था और चंद कदम के फासले पर उनका घर वाकिया है। इसके अलावा शबनम ने यहाँ पास ही अपना घर बनाया और फिरदौस बेगम का, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी यहाँ से बिल्कुल इस रोड की दूसरी साइड पर चंद कदम के फासले पर उनका घर था। और इसके अलावा जो गोरी हैं वो तो अभी तक यहाँ मुकीम है और उनका घर जो है वो भी मोहम्मद अली के घर से चंद कदम के फासले पर वाकिया है। ये एक बड़ा ही चहल पहल वाला एरिया है, ये बड़ा ही मशरूफ रोड है अली ज़ेब रोड। जैसा कि आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, मुझे बड़ा लाउडली बोलना पड़ रहा है। और अब अगर इस घर की बात करें तो ये एक बड़ा ही तारीखी और बड़ा ही शानदार घर था। उस दौर में इतना बड़ा घर जो है वो शायद ही किसी पाकिस्तान के किसी स्टार ने बनाया हो। इसका एग्जैक्ट जो एरिया है, जो रकबा है, उसके बारे में तो मालूम नहीं, लेकिन ये कैनाल्स पर वाकई ये घर था और मोहम्मद अली ने बड़े शौकों के साथ और बड़े अरमानों के साथ इस घर को तामीर करवाया था और अपने बिल्कुल अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने शान शौकत के हिसाब से, अपने स्टारडम के हिसाब से इस घर को तामीर करवाया था। और ज़ेबा के साथ शादी करने के बाद वो इसी घर में मुकीम हुए और मोहम्मद अली ने अपनी जो सारी ज़िंदगी है वो इसी घर में गुजारी है। चाहे वो उनके अदाकारी का दौर हो या फिर रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी हो, वो सारी मोहम्मद अली की इसी घर में गुजरी है। और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ही पुरसकून और आलीशान ज़िंदगी गुजारी है। नाज़रीन, मोहम्मद अली का ये जो घर है ये बड़ा एक तारीखी घरानों में शुमार होता था, लाहौर के बड़े मोतबर घरानों में शुमार होता था, क्योंकि यहाँ पर आना हर एक के लिए एजाज़ की बात समझी जाती थी। चाहे वो शोबिस की शख्सियात हों या ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, वो यहाँ पर आती थी और उनके लिए बड़ा एजाज़ समझा जाता था। ये जो आप ऊपर टेरेस स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये बड़ा ख़ास एक टेरेस था मोहम्मद अली के घर में, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी तारीखी महाफिल हुआ करती थी। शायर, अदीब, गुलकार, जर्नलिस्ट और शोबिस के दीगर फनकार, इसके अलावा जो सियासी शख्सियात हैं वो भी यहाँ आया करती थी। जैसा कि मोहम्मद अली का जो नवाज शरीफ के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था तो नवाज शरीफ भी उनके साथ आया करते थे। और नवाज शरीफ के दौर में आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जो हैं वो वज़ीर सकाफत भी रहे। और इसके अलावा बहुत ही ख़ास बात यह है कि इसी घर में जो शाह फैसल थे, जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई तो शाह फैसल को मोहम्मद अली के घर में ठहराया गया, क्योंकि उस वक्त लाहौर में ज़्यादा फाइव स्टार होटल्स नहीं थे। तो जो बड़े गेस्ट आए, जो दूसरे मुल्कों से जो उनके सरबराहान आए, उनको लाहौर के मुख्तलिफ़ घरानों में ठहराया गया। और जो सबसे वीआईपी गेस्ट थे शाह फैसल, सऊदी अरब के बादशाह, उनको मोहम्मद अली के घर में ठहराया गया। और यही वजह है कि मोहम्मद अली के बड़े अच्छे मरासम थे आले सऊद के साथ। और इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद अली का जो घराना था वो कितना बड़ा घराना था और कितना मोतबर समझा जाता था। यहाँ पर आना लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था। लेकिन मेरी सारी तमहीद इस बात के लिए है कि बहुत ही अफसोस की बात है कि हमने मोहम्मद अली के इस घर को प्रिजर्व नहीं किया।
बेशक मोहम्मद अली ने एक आलीशान जिंदगी गुजारी, जब तक वो यहाँ पर मुकीम रहे उनका ये जो घर है वो रौनकों से यहाँ पर रौनकें हुआ करती थी, उनकी खुशबू से महकता रहा, यहाँ पर रोशनियाँ हुआ करती थी और सब उनके इस घर पर रश करते थे, उनके लाइफ स्टाइल पर रश करते थे। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जब मोहम्मद अली की वफात हो गई तो फिर हमने उनके उनके इस घर का हक अदा नहीं किया। ये मोहम्मद अली की आखिरी निशानी थी क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारी, उनका नमाज जनाजा भी यहीं से उठाया गया, तो ये उनकी आखिरी निशानी थी। हमें चाहिए था कि इसको प्रिजर्व करते लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मोहम्मद अली की जो वाइफ थी ज़ेबा बेगम, उन्होंने ये घर सेल आउट कर दिया और यहाँ से शिफ्ट होकर वो डिफेंस में चली गई। और आज बहुत ही अफसोस के साथ आपको कह रहा हूँ कि ये जो घर है, ये आलीशान घर, ये लाहौर का सबसे मोतबर घर, शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली का घर, वो खंडर बन चुका है। और वो जो पौधे हैं वो जंगलात का मंजर पेश कर रहे हैं। मोहम्मद अली ने किस तरह अपने अरमानों के साथ और शौक के साथ इस घर को तामीर करवाया था, लेकिन आज ये घर वीरान पड़ा है। इसकी दीवार इसकी खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत है और इस घर की जो इमारत है वो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। मोहम्मद अली की जो तमाम यादें हैं वो इसी घर में बसती हैं। हमें चाहिए था, जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, चाहे वो नुसरत फतेह अली खान का प्रोग्राम हो या हमारे या वहीद मुराद का प्रोग्राम हो, वहाँ पर भी मैंने ये गुजारिश की थी कि हुकूमत को चाहिए कि इन बड़े स्टार्स के जो घर हैं उनको प्रिजर्व करते, एक निशानी बनाते कि लोग आकर देखते हैं कि हमारे जो बड़े स्टार्स हैं जिनके कौम पर एहसान रहे हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते रहे, क्या क्या चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल रहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एक दुख की बात यह भी है कि ज़ेबा ने जिस तरह, ज़ेबा बेगम ने हमारे लिए बड़ी काबिल मोहतरम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने घर सेल किया, जो कहानी सामने आई वो बड़ी अफसोसनाक थी। बताया जाता है कि जिस बेड पर शाह फैसल सोए थे उस बेड को चंद हज़ार रुपये में सेल किया गया, और जो कालीन शाह फैसल तोहफे में लाए थे मोहम्मद अली के लिए, आपको पता है कि जो अरब हैं उनकी एक रिवायत है कि जब भी किसी के घर जाते हैं तो कीमती तहाइफ लेकर जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पर कालीन होता है, तो वो कालीन जो शाह फैसल मोहम्मद अली के लिए लेकर आए थे वो बाज़ारों में चंद सौ रुपये में सेल हुआ। इस तरह मोहम्मद अली के इस्तेमाल की जो बड़ी कीमती की चीज़ें थी वो चंद हज़ार रुपये में सेल हुई, तो ये क्या ही अच्छा होता कि मोहम्मद अली जिनके इस कौम पर एहसान है और एक दरवेश सिफ्त इंसान जिसने हमेशा लोगों की खिदमत की और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की जो उन्होंने खिदमत की वो सब आप सब के सामने है, उनके बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या ही अच्छा होता कि जो उनका घर है उसको हम प्रिजर्व करते। हुकूमत इस हवाले से इनिशिएटिव लेती, उनकी फैमिली इस हवाले से इनिशिएटिव लेती। बहुत हैरान होता हूँ जब भी मैं देखता हूँ कि ज़ेबा बेगम ने किस तरह से ये घर छोड़ दिया। यकीनी तौर पर उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन वो मोहम्मद अली के उस घर को कैसे छोड़ सकती हैं जहाँ पर उन्होंने सालों मोहम्मद अली के साथ गुजारे हों, और उसकी निशानी को, हमारे अजीम अदाकार की आखिरी निशानी को कैसे किसी गैर के हवाले कर सकती हैं। तो आज ये दरो दीवार, ये खस्ता हाल दरो दीवार और इसकी खंडर बनी हुई इमारत एक इबरत की कहानी पेश कर रही है। मोहम्मद अली यकीनन इस सलूक के मुस्तहिक ना थे और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मोहम्मद अली का खसूसी घर था और इसके साथ जुड़ी हुई एक अफसोसनाक कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। तो अब मैं खसूसी तौर पर आपको मोहम्मद अली की कब्र पर लेकर चलता हूँ और उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी की बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत सी बातें यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगी हो सकें वो आपके साथ उनकी कब्र पर शेयर करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली की कब्र पर मैं पहुंच चुका हूं और स्क्रीन पर आप उनकी कब्र जो है वो देख सकते हैं। मोहम्मद अली का इंतकाल जो है वो 2006 में हुआ था, और एक बड़ी ख़ास बात यह है कि जो सऊदी अरब की हुकूमत है उनकी जानिब से ये पैगाम भिजवाया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद अली को जन्नतुल बकी में दफनाया जाए तो हम उसकी बाकायदा तौर पर इजाज़त देते हैं, और ये शायद ही किसी के लिए सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐसा कोई पैगाम भेजा हो। लेकिन जो मोहम्मद अली की फैमिली थी उन्होंने जन्नतुल बकी में दफनाने से इनकार कर दिया था, और फिर उन्हें यहाँ पर जो दरबार है मियाँ मीर का
उसके अहाते में यहाँ पर दफनाया गया है। ये मियाँ मीर का दरबार लाहौर का एक बड़ा मकबूल दरबार है और इसके अहाते में चंद ही कब्रें हैं जहाँ पर मोहम्मद अली की कब्र भी है। और कहा जाता है कि मोहम्मद अली की बड़ी अकीदत थी मियाँ मीर साहब के साथ और वहाँ और वो अक्सर यहाँ इस दरबार पर आया भी करते थे। तो मोहम्मद अली की ये जो कब्र है माशाल्लाह से बड़ी साफ़ सुथरी और पक्की कब्र है, जैसे कि हम बाकी अदाकारों को देखते हैं ऐसा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, रोज़ाना इसकी सफाई होती है। और मैं आपको खसूसी तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद अली की बेगम है ज़ेबा बेगम, उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ एक शख्स की ड्यूटी लगा रखी है जो रोज़ाना इस कब्र की सफाई करते हैं और रोज़ाना जो है वो ताज़ा फूल चढ़ाते हैं। इसके अलावा ज़ेबा बेगम जो है मुझे बताया गया है कि वो यहाँ पर बाकायदगी के साथ आती हैं। अभी उनकी कुछ तबीयत ज़रा नासाज़ है तो आने में थोड़ी देरी हो जाती है, लेकिन महीने में वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक आती हैं। और ये जो एरिया है ये बड़ा रौनक वाला एरिया है क्योंकि ज़ायरीन मामूल के मुताबिक आते हैं तो फिर वो जब देखते हैं कि मोहम्मद अली की कब्र यहाँ पर है तो मोहम्मद अली की यहाँ पर उनकी कब्र पर आकर फातह खानी पढ़ते हैं। तो मोहम्मद अली ने एक बड़ी आलीशान ज़िंदगी गुजारी। मैंने जिन दो लोगों के बारे में फ़िल्म इंडस्ट्री में पढ़ा है कि सही मानों में दरवेश सिर्फ इंसान थे, वैसे तो जो बंदा भी चला जाता है उसके हवाले से रस्मन बातें होती हैं, लेकिन जिन दो बंदों के बारे में मैंने पढ़ा या सुना कि वो सही मानों में दरवेश सिर्फ थे और उन्होंने कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं मोड़ा, उसमें एक मोहम्मद अली का नाम आता है और दूसरा सुल्तान राही का नाम आता है। तो इस तरह बड़े ही अजीम लोग दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन इत्मीनान इस बात का है कि आज उनकी जो आखिरी आरामगाह है उसको प्रिजर्व किया गया है और उसका जो है वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो ये आज का ख़ास प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको मोहम्मद अली का घर और उनकी कब्र दिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।